और मैं जा रही हूँ मॉल इसको लेके। ये कौन है? कौन है ये? हाय, तो आज है सैटरडे और अभी हम जा रहे हैं मॉल, मैं, मम्मी, प्रवीण और हर्षी। और हम एकदम से, हमारा प्लान बनाया अचानक से मॉल जाने का, उसका एक वन ऑफ द रीज़न ये भी कि कल आ रहे हैं मम्मी पापा। तो बेसिकली मम्मी का जब से आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो वो आ नहीं पाए थे बीच में कुछ कुछ काम की वजह से, तो अभी उनका प्लान बन रहा है कल आने का संडे को। तो निकू जो मेरे भतीजे, वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो हमारे यहाँ रिवाज है कि जब कोई फर्स्ट टाइम आता है बच्चा बच्चा छोटा, तो कपड़े देते हैं शगुन के, शुभ के नाम के बोलते हैं बेसिकली, तो वही लेने के लिए हम जा रहे हैं। और साथ में हर्षी के ड्रेस जो हमने लास्ट टाइम वेबसाइट से खरीदी थी, वो भी ना मतलब कुछ खास समझ में नहीं आ रही है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको रिटर्न करा के एक दूसरी ले लेंगे, तो दोनों काम साथ के साथ निपट जाएंगे, तो वही करने जा रहे हैं। फटाफट से मैं चेंज करती हूँ, आज बहुत गर्मी लग रही है, टेम्परेचर बहुत एकदम से ना अचानक से बढ़ा है, तो हम सोच रहे थे पहले कि एसी सही करा दें, इसकी भी सर्विस करनी पड़ेगी। बेस्ट पार्ट ये है कि एटलीस्ट जो प्लेट्स वगैरह साफ करना है वो प्रवीण को आता है, तो हमें कम से कम इतना ज़्यादा हम डिपेंडेंट नहीं है कि हमें किसी को बुलाना पड़ेगा तब जाके साफ वाफ होगा, फिर हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो अभी हम दोनों रूम्स के, हमारे मम्मी के रूम की प्रवीण साफ कर देंगे वहाँ से आने के बाद। क्या वाशु क्यों ऐसे? इधर बाहर पूरे पे ना घोंसला बना दिया है, मतलब जो ये एसी वाला है ना, ये देखो पूरा इस एरिया में घोंसला बना दिया। वो तो मैंने भी नीचे गिरे तब यहाँ पे है, इतना था क्योंकि सर्दियों के टाइम पे चलता नहीं है तो कुछ महीने बंद रहता है ना, तो मतलब पूरा घोंसला बना बैठा था। और अंडे भी थे उसमें एक, तो वो भी गलती से टूट गया सुबह के टाइम, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसके अंदर अंडे, हमें देख लेना चाहिए था वैसे, बट नहीं ध्यान रहा। और जैसे हमने आंटी को बोला था जो सफाई करने आते, उन्होंने सीधा झाड़ू मार दी, वो अंडा टूट गया था। अशु कहाँ जा रही? लाइट ऑफ करके कहाँ जाई? कहाँ जा रहे हो? बाय तो कर दो, मुझे नहीं लेके जाओगे? मैं भी जाऊंगी अशु, मैं भी तो जाऊंगी आपके साथ, मेकअप वहां लेके नहीं जाओगी आप? बुला जाओ अशु, मेकअप भी, अशु मेकअप भी, अशु बुला जाओ, बाय। ये लंबी चश्मा, ऐसे ले लेंगे, नहीं तो हाथ में, हाथ में लेंगे, हाँ एक ही तो है छोटा सा आपका फोन। आज मम्मी का नया सूट पर सही लग रहा है ऐसे, सही लग रहा है। तो अभी बज गए 6 और हम लोग निकल गए हैं। आज शाम को गीता दीदी भी नहीं आएगी, तो खाना वाना भी टाइम से आना पड़ेगा कि खाना वाना हमें बनाना है। और मैं जा रही हूँ मॉल इसको लेके। असल में दूध लेके आना था, कुछ दही जमाने के लिए, तो हम सोच रहे वहाँ से आते टाइम दूध ले लेंगे, टोकन का दूध बेसिकली, ताकि दही वही जमा सके। अंदर बैठ गए हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर मी। हाय शु, मैं कहाँ बैठूं? कहाँ बैठूं अशु, मैं कहाँ, मैं कहाँ बैठूं? क्या पहने आज आपने? क्या पहने? फ्रॉक, इतनी सोना सोना फ्रॉक, इसमें तो आइसक्रीम बनी है। हर्षु हर्षु, मैं कौन से वाली आइसक्रीम लूं? ये वाली मैं ले लूं, ये दी, ओके। हर्षु कहाँ गए? हर्षु
पार्किंग में लगाएंगे चाचू, चाचू पार्किंग में लगाएंगे। बाय आयशी, टाटा, हम जा रहे हैं। बाय कर रही है तो सही में bye, ये लॉक पानी देगा। बाय हम जाए। हर्षु हर्षु कौन है, कौन है ये कौन है, डर गया। नहीं ये कुछ नहीं करेंगे। कह रहे नए कलेक्शन आ गए। क्या लेगी अर्शु? ये वाला, ये वाला, ये वाला या पहनोगे? अर्शु मुझे देखो पहले, पहनोगे आप ये? अर्शु क्या चाहिए? ये चाहिए, ये चाहिए। इतने सारे ऑप्शन, कौन सी चाहिए आपको? अर्शु देखो, अर्शु वाओ, अर्शु दोनों की सेम सेम, ये अच्छी नहीं लगी अर्शु, बड़ी लग रही है। हर्षु फ्लावर वाला, ये वाह 834 हर्षु कहाँ है हर्षु? कहाँ गए हम? शॉपिंग फाइनली हो गई और आज भी अच्छा खासा बिल हमारा बन गया। मतलब मेरा कोई शॉपिंग का प्लान नहीं था, हम निकू की और हर्षी की चेंज कराने आए थे, बट फाइनली मैंने भी ले ली, मम्मी ने ले ली, वापस से हमने ढेरों सारी शॉपिंग कर ली और आज तो ड्रेस बहुत पसंद आई मुझे। अच्छा चलो अब बोलो मैं घर आ गई, हम कल मिलेंगे। अब कल मिलेंगे।